क्योंकि कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री मोदी की शर्म आती है। कभी कभी व्हाट्सएप पढ़ के लगता है कितनी घटिया भाषा है, और उसके कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री वही भाषा बोलते हुए मंच से नजर आते हैं। तो इस देश का प्रधानमंत्री घटिया व्हाट्सएप लिखते हैं या इस देश को चलाने की कुवत रखते हैं, सवाल इस बात का है। असलियत यह है कि 10 साल की मोदी सरकार के बाद आज जब यह देश चुनाव के मुहाने पर आकर खड़ा है, तो प्रधानमंत्री आपको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाकर वोट मांगना चाहिए, प्रधानमंत्री को अपने काम गिनाने चाहिए, लेकिन उसमें नील बटा सन्नाटा स्कोर है, उसमें जबरदस्त फेल का ठप्पा लगा हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी इधर उधर की बात करके मन बहला रहे हैं लोगों का, और जब कुछ नहीं बचता है मोदी जी के पास तो वही घिसी पिटी हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर आकर गिर जाते हैं। 10 साल के बाद बजाय अपना काम गिनाने के, 10 साल के बाद बजाय अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के, नरेंद्र मोदी आज भी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। यह सच है कि वो घबराए हुए हैं, यह सच है कि वो बौखलाए हुए हैं, यह सच है कि बीजेपी के अपने सर्वे, आरएसएस के अपने सर्वे का फीडबैक है कि बीजेपी 180 पर अटकी हुई है और लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है। यह भी सच है कि हमारी चाहे भारत जोड़ो यात्रा रही हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा रही, या जो हमारा घोषणा पत्र न्याय पत्र के नाम से आया, उसमें पूरी तरह से साफ हो गया है कि प्राथमिकताएं क्या हैं। हमारे घोषणा पत्र की चर्चा आप जैसे मीडिया के प्रबुद्ध साथियों ने की, विशेषज्ञों और जानकारों ने की, और विरोधियों को भी यह कहना पड़ रहा है कि एक बड़े व्यापक दृष्टिकोण का खाका है, यह एक ब्लूप्रिंट है भारत के भविष्य के लिए। और 10 साल में जो भी समस्याएं इस देश के लोगों पर लादी गई हैं, उन सबका कहीं समाधान भी है और क्रमवार तरीके से समाधान है।